एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैम सर्वर इंस्टॉलेशन, और जैम सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हम एक सिंपल पीएचपी प्रोग्राम रन करेंगे। जैम सर्वर डाउनलोड करने के लिए हमने गूगल में टाइप किया है जैम डाउनलोड, और इसके बाद हमें अलग अलग लिंक्स मिलेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट लिंक हमें यहाँ पे दिख रहा है www.apachefriends.org, उस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम विंडोज के लिए इसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड 64 बिट ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा जो डाउनलोड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो हम देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी वार्निंग वगैरह आएगी उसमें हमें सिंपली ओके क्लिक करना है। उसके बाद हम सेटअप इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास है उसे ही हम रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो सी ड्राइव में जैम्प है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस था हमने वही रखा है, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। फिनिश हम करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल जो ओपन हुआ है उसमें हम देख सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अपाचे, MySQL। तो इनको हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें प्रोग्राम आईडी एंड पोर्ट्स दिख रहा है जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जैसे कि अपाचे का 8443, MySQL का 3306। तो ये इसका पोर्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है हमें वही रखना है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट, तो हम यहाँ पे या फिर जो हमारा एड्रेस बार है वहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट। तो जब हम लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पे जैम का होम पेज ओपन होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जैम सर्वर है वो सक्सेसफुली हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, जैसे कि PHP Info, PHP My Admin। तो इस पे हम देख सकते हैं हमने PHP वर्जन 8.0.25 इंस्टॉल किया हुआ है, एंड PHP My Admin में हम देख सकते हैं क्योंकि हमने MySQL की सर्विसेज भी ऑन की है, तो ये पेज हमें दिखेगा। तो इस तरीके से हमने जैम सर्वर डाउनलोड किया। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम PHP फाइल को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले हम जैम के कंट्रोल पैनल में आते हैं, और जैम के कंट्रोल पैनल में हमें मॉड्यूल स्टार्ट करने होते हैं। तो ये हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपाचे मॉड्यूल स्टार्ट करना होगा। MySQL की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ अपाचे मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे।
और जब हम मॉड्यूल स्टार्ट कर लेते हैं तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो लोकल होस्ट टाइप करने के बाद जो ज़ैम्प है उसका होम पेज ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही चेक करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट, तो हम देखते हैं कि ज़ैम्प का जो होम पेज है वो ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम नोटपैड फाइल में अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक नोटपैड फाइल ली हुई है जिसमें हम पीएचपी का एक सिंपल प्रोग्राम रन करेंगे। पीएचपी में जब हम कोड लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क पीएचपी से ये स्टार्ट होता है, और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम एको का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एको, और डबल कोट्स में हमें जो लाइन लिखनी है वो हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू पीएचपी, और हर एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे एंड होता है, तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन दिया, क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से पीएचपी टैग को हमने क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और एचटीएमएल को क्लोज किया। अब हमें इस फाइल को सेव करना है, तो हम इसे सेव करेंगे, फाइल सेव, और यहाँ पे हमें लोकेशन पे ध्यान देना है। हमारा जो जैम था वो सी में इंस्टॉल हुआ था, हमने इसकी लोकेशन चेंज नहीं की थी, तो हमको सी में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, और यहाँ पे हमें जैम फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें हमें अपनी फाइल सेव करनी है। तो जैम फोल्डर हम सिलेक्ट करते हैं, एच टी डॉक्स फोल्डर में आते हैं, तो ये एड्रेस पे ध्यान देंगे, सी जैम एच टी डॉक्स, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम डॉट पी एच पी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को नेम दे देते हैं, PROG1.php, सेव एस टाइप ऑल फाइल्स, और हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब इसको रन करने का मेथड ये है कि हमको एड्रेस बार में लोकल होस्ट, जैसे अभी हमने देखा था, लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश करना है, और इसके बाद जो हमने फाइल नेम दिया था वो फाइल नेम लिखना है। तो हम लिखेंगे PROG नाम दिया था हमने, PROG1.php। तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू PHP। तो इस तरीके से हम कोई भी PHP प्रोग्राम रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।